नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरियाल। पैसा पैसा पैसा, हर किसी को पैसा चाहिए। चाहे कोई सामान खरीदना हो, खुशी जिंदगी बितानी हो, तो पैसा होना जरूरी है। पैसों की जरूरत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग ना तो दिन देखते हैं और ना ही रात, बस 24 घंटे पैसे कमाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वैसे तो पैसे कमाने के लिए मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर भी उतर जाते हैं। सट्टा मटका भी पैसे कमाने का एक ऐसा ही जरिया है जो कि कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। इसे खेलना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी इसे छुपाते छुपाते खेला जाता है। सट्टा मटका इस वक्त पूरे देश में धड़ल्ले से खेला जाता है। भले ही इसे खेलना गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस पर दाव लगाते हैं। हर दिन सट्टा मटका में दाव लगाकर लोग रातों रात धनवान बन रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं ना, एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, दोनों ही। ऐसे ही आपको सट्टा किंग में दाव लगाने पर फायदे और नुकसान दोनों उठाने पड़ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपने जो दाव लगाया अगर वही सही जगह पर लगता है, तो आप रातों रात लखपति या फिर करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी गलत दाव लगाते हैं तो आपकी लगाई गई राशि पानी की तरह बह सकती है। सट्टा मटका खेलने के लिए कई फायदे हैं, जैसे कि आपको इसके खेलने के लिए ऑफिस की तरह 9 या घंटे की तरह काम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप कुछ ही मिनट में इसे कर सकते हैं। आज के समय में बड़ी संख्या में लोग सट्टा मटका के जरिए मोटा पैसा कमा रहे हैं। कई लोग तो इसमें पैसा कमाने का जरिया भी बना लिया है। हालांकि सट्टा मटका पैसे कमाने का एक अच्छा साधन है, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके कई नुकसान भी हैं। ऐसे में आप इसे यूज़ करने से पहले इसके नुकसान को जरूर ध्यान दें। यहाँ आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ रूम पोस्ट सट्टा मटका या फिर इस तरह के कोई भी खेल को बढ़ावा नहीं देता है। सट्टा किंग पर हर दिन लॉटरी खेलों के नतीजे सामने आते हैं। सुबह और शाम दोस्त वक्त पर ये रिजल्ट घोषित किए जाते हैं। अब चलिए जानते हैं 4 अगस्त के विनिंग अंक और विजेताओं के नाम पर। तो गुड लक बैड लक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।